हेलो एंड वेलकम टू कैम्फी। आज हम स्टार्ट करने वाले पार्ट 3 ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5। सो लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट किया। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस देख लीजिए और स्टार्ट करते। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिले, ठीक है। सो आज की क्लास में हम लीफ सीखने वाले, हम लीफ में मॉडिफिकेशन सीखने वाले और बहुत कुछ सीखने वाले, ठीक है। सो टेलीग्राम की लिंक कमेंट सेक्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोट्स PDF मिल जाए, ओके। सो ये सीरीज है NCERT लाइन बाय लाइन वन शॉट पार्ट 3। वैसे वन शॉट में होता है बट इसके 3 पार्ट हो गए। एनीवेज हम डिटेल में बात कर रहे हैं NCERT की हर एक लाइन के बारे में और हर एक डायग्राम को हम डिटेल में समझने वाले। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है आफताब खान, आप देख रहे हैं ये यूट्यूब चैनल कैम्फी। सो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में रूट्स पढ़ लिए थे, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स देख लिए थे, शूट सिस्टम देखे थे। शूट सिस्टम मतलब स्टेम, तो स्टेम मतलब शूट सिस्टम में स्टेम है, लीफ फ्लावर वो सब आ जाते हैं। तो हमने स्टेम स्टार्ट किया था जिसमें हमने स्टेम पढ़ा था, स्टेम की मॉडिफिकेशंस पढ़ी थी, ठीक है। आज की क्लास में हम लीफ पढ़ेंगे, ओके। सो लीफ से स्टार्ट करते हैं, ये NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज है, ओके। सो लीफ के बारे में हम पढ़ते हैं। लीफ सबको पता है, लीफ जो होते हैं हम देखते हैं हमारे अराउंड में जो ट्रीज होते हैं उनमें लीफ लगी होती है। सो लीफ के बारे में क्या है, लीफ इज लेटरल जनरली फ्लैटन स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम। मतलब लीफ ऐसा एक लेटरल सा होता है, मतलब लीफ ऐसा खड़ा खड़ा नहीं होता, ऐसा लेटरल से होता है। जैसे ये ट्री है तो इस तरह से ऐसा लेटरल, मतलब लाइक इस तरह से लेटरल साइड से लगा होता है लीफ, ओके। और लीफ जो होता है फ्लैट होता है, कभी भी ऐसा मोटा सा लीफ होता है नहीं, ऐसा फ्लैट सा होता है, इस तरह से फ्लैट सा होता है लीफ, ओके। डेवलप्स एट द नोड एंड बियर अ बर्ड इन इट्स एक्सिल। अब मैंने आपको समझाया था एक्सिल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारी मेन एक्सिस है स्टेम की, ओके, और ये यहाँ पर है हमारी लीफ। तो मेन स्टेम और लीफ के बीच में ये जो एरिया है इसे हमने क्या कहा था, एक्सिल कहा था, ओके। आपने लास्ट क्लास रिवाइज की होगी, अगर नहीं किए तो उसको अच्छे से रिवाइज करिए फिर ये वीडियो देखिए, ओके। सो हमने कहा था एक्सिल क्या होता है, तो एक्सिल में क्या होती है, बड्स होती है कि नहीं, और बड क्या होती है, बड होती है नोड पे, तो नोड पे लीफ डेवलप्ड होता है। इतना समझ आया, ओके। जो एक्सिल में बड होती है हम उसे एक्सिलरी बड कहते हैं, एक्सिल में जो बड होती है उसे हम एक्सिलरी बड कहते हैं। लेटर डेवलप्स इनटू ब्रांच, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम एंड अरेंज इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर, ओके। सो द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इंटू अ ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम अरेंज इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। कहना क्या चाह रहा है ये समझते हैं, कहना ये चाह रहा है कि जो लीफ है वो एक लेटरल स्ट्रक्चर है कि नहीं, लेटरल सी होती है। लीफ जो होती है वो फ्लैट होती है, फ्लैट होती है, ओके। ये स्टेम पर उगती है, स्टेम में जो नोड होती है वहां पर उगती है। अब मेन एक्सिस होती है और लीफ होती है, उनके बीच का एरिया होता है एक्सिल। तो एक्सिल में क्या होती है, एक्सिलरी बड होती है, ठीक है। एक्सिलरी बड जो है वो आगे जाके जो है वो ब्रांच में डेवलप्ड होती है। इतना समझ आया, ओके। ओरिजिनेट फ्रॉम शूट, लीफ के बारे में कह रहा है, लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम एंड अरेंज इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा, जैसे मान लो ये हमारा पेड़ है, ये इसकी एपेक्स है, मतलब एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट। तो वहाँ पे जो सेल्स है, जो जिसे हम मेरिस्टम कहते हैं, एपिकल मेरिस्टम, वहाँ से क्या होती है, वहाँ पर भी लीफ उगती है, वहाँ से लीफ ओरिजिनेट होती है, वहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे। और जो जो हमारा प्लांट है, जो ट्री है, जो भी है, वो ऐसे ऐसे मतलब वर्टिकली ग्रो करते रहता है। तो वहाँ पर जो
एपेक्स पे जो एपिकल मेरिस्टम है वहाँ पर लीव्स जो है वो उगते रहते हैं, ओरिजिनेट होते रहते हैं, इतना समझा। फिर एंड अरेंज इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, दो ऑर्डर होते हैं, एक होता है बेसिपिटल ऑर्डर और एक होता है एक्रोपिटल ऑर्डर। इसके लिए हम एक डायग्राम देखेंगे। तो इसे कहते हैं, देखो इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं बेसिपिटल ऑर्डर, इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। ये जो रेड कलर से, इसे हम मान लो लीफ लीफ समझते हैं, ठीक है। ये जो है ग्रीन कलर में करते हैं, ये जो रेड कलर का, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं ये हमारी लीफ है, ये रेड कलर की। वैसे लीफ राउंड नहीं होती है, लेकिन हम समझने के लिए समझ रहे हैं ये हमारी लीफ है। ओके, ये सब हमारी लीफ है ग्रीन कलर में, ठीक है। ये भी लीफ है कि नहीं, ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है। ये ग्रीन कलर की से आप लीफ मान लो। ओके, तो होता क्या है बेसिकली, बेसिपिटल अरेंजमेंट में क्या होता है, देखो नाम से रखा है बेसिपिटल। जो भी हमारी यंग लीफ होती है ना, जो नई नई लीफ उगी है, मतलब जो फ्रेश लीव है, नई लीव है, नई लीव हम कहेंगे, जो यंग, अप्रोप्रिएटली हम कहेंगे यंग लीव, वो हमें बेस पे देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी, बेस पे देखने को मिलेंगी, है कि नहीं। और जितनी भी ओल्ड लीव्स है वो हमें ऊपर देखने को मिलेंगी। देखो ये बड़ी सी ओल्ड हो गई ना, बड़ी बड़ी लीव है, ओल्ड है, और जो यंग लीव होंगी वो छोटी छोटी होंगी। तो जितनी भी यंग लीव है वो हमें बेस में देखने को मिलेंगी, है कि नहीं, बेस पे मतलब। और इससे ऊपर जाते जाओगे तो यहाँ पर इससे ज़्यादा ओल्ड, फिर इससे ज़्यादा ओल्ड लीफ, फिर इससे भी ज़्यादा ओल्ड लीफ, फिर इससे भी ज़्यादा ओल्ड लीफ। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो आपको ओल्ड लीफ मिल रही है, और नीचे आ रहे हो तो यंग लीफ मिल रही है। तो हमने हमारा रेफरेंस क्या माना, यंग लीफ। अगर यंग लीफ नीचे देखने को मिल रही है तो उसे हम बेसिपिटल कहेंगे। उसी तरह एक्रोपिटल, मतलब एक्रोपिटल में क्या होता है, एक्रोपिटल में ये होता है कि जो हमारी यंग लीफ होती है, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, बेसिपिटल में यंग लीफ नीचे है, तो एक्रोपिटल में यंग लीफ कहाँ मिलेंगी, ऊपर। तो ये यंग लीफ ऊपर है और इस तरह से अरेंज है कि नहीं। जो यंग लीफ है वो हमें ऊपर देखने को मिल रही है, और जितनी भी ओल्ड लीफ है वो हमें नीचे देखने को मिल रही है, किसमें, एक्रोपिटल में। सो बस इतना याद रखना है, एक्रोपिटल में यंग लीव्स ऊपर दिखेंगी टॉप मोस्ट में, और बेसिपिटल में यंग लीफ बेस में मिल रही है, नीचे मिल रही है, नाम से पता चल रहा है। सो यहाँ क्या देखे रखा है, अब वो समझो कि लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम एंड अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर। मतलब मोस्ट ऑफ द लीव्स जो होते हैं वो एक्रोपिटल ऑर्डर में ही अरेंज होते हैं। लीव जो होते हैं वो एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। एक्रोपिटल मतलब जो यंग लीफ है वो हमें टॉप मोस्ट में देखेंगी, और जो ओल्ड लीफ है वो हमें नीचे देखने को मिलेंगी, सिंपल। ओके, फिर एक और पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि लीव में ही फोटोसिंथेसिस होता है, अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, है कि नहीं। लीफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स, ऑर्गन्स नहीं, ऑर्गन, जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट। अब एक लीफ में तीन पार्ट होते हैं, फिर से एक लीफ में तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है लीफ बेस, पिटियोल, और होता है लेमिना। अब ये क्या होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाता हूँ, ठीक है। लीफ के तीन पार्ट है, लीफ बेस, लैमिना, और क्या था, पिटियोल। ओके, तो इसमें नहीं दिए हुआ है अच्छा स्ट्रक्चर, हाँ ये है स्ट्रक्चर, देखो ये है हमारा एक टिपिकल लीफ। मतलब एक जो जनरली जो एक लीफ होती है उसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला है लीफ बेस, सेकेंड होता है पिटियोल, और तीसरा है लेमिना, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिखता है, लीफ बेस, है कि नहीं, लीफ बेस। फिर उसके बाद हमें दिखता है क्या, पिटियोल।
फिर उसके बाद हमें दिखता है लेमिना। वन सेकेंड, ठीक है। और सब फिर हमें क्या दिखता है, लेमिना। ओ फिर हमें दिखता है लेमिना। ये क्या है, ये लीफ के तीन पार्ट है, बस इतना याद रखना, लीफ के तीन पार्ट है। सबसे पहला क्या है, लेमिना, दूसरा है लीफ बेस, तीसरा है पिटियल। अब ये है क्या, देखो लेमिना का मतलब क्या होता है, ये जितना भी हमारा पत्ता है ना, ये पूरा लीफ का जो है, लाइक जैसे मेरा हाथ लीफ है, तो ये जो पूरा ये है लीफ का, ये जो लाइक क्या कहेंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये है लेमिना। ये पूरा क्या है, लेमिना, ठीक है। अब जो स्टॉक है, जो जो लेमिना को पकड़ के रख रही है मेन एक्सिस से, मतलब ये हमारी मेन एक्सिस है, फिर ये हमारी लीफ है, लीफ और मेन एक्सिस, ये मेन एक्सिस है, और ये क्या है, ये लीफ है। लीफ और मेन एक्सिस किससे जुड़ी है, पिटियोल से। किससे जुड़ी है, एक स्टॉक से जुड़ी है जिसे हम कहते हैं पिटियोल। सो ये लीफ है, और ये मेन स्टॉक है। मेन स्टॉक और लीफ के बीच में जो डंडा है उसे हम कहते हैं पिटियोल। तो ये लीफ है, ये डंडी है, डंडी से ही जुड़ी है, ये जो स्टॉक है इसे हम कहते हैं पिटियोल। अब पिटियोल के जो नीचे एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मतलब जो पिटियोल के जो नीचे, मतलब लीफ के जो नीचे, वो है लीफ बेस। तो यहाँ है लीफ बेस, ये जो डंडी है इसे हम कहते हैं पिटियोल, और ये जो लीफ का जो पत्ता है इसे हम कहते हैं लैमिना। ओके, इतना समझ आया। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर जो है, ये लीफ की जो है ये मेन एक्सिस है, सॉरी ये प्लांट की जो है मेन एक्सिस है, ये हमारे पास लीफ है, ये जो एरिया है इसे हम क्या कहते थे, एक्सिल। क्या कहते थे हम, एक्सिल। ये मैंने 5 से 10 बार बता दिया है कि ये मेन एक्सिस होती है, ये लीफ होती है, और यहाँ पे जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं एक्सिल। अब एक्सिल पे जो बड मिलेंगी उससे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे एक्सिलरी बड। क्या कहेंगे हम, कहेंगे एक्सिलरी बड। ओके, इतना समझ आया। अब यहाँ पर ना कुछ ऐसे लीफ के तरह कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब लाइक कुछ ऐसे एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं स्टिप्यूल। स्टिप्यूल एक तरह का स्ट्रक्चर है, स्टिप्यूल बोल के एक ऐसा ऐसा एक स्ट्रक्चर है। अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट रहा किसी प्लांट में तो हम उस प्लांट को कहेंगे स्टिप्यूलेट, और स्टिप्यूल एब्सेंट है सो व्हाट वी कॉल देम, वी कॉल देम एक्स स्टिप्यूलेट। ओके, अगर स्टिप्यूल एब्सेंट है तो एक्स स्टिप्यूलेट, अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो स्टिप्यूलेट, एज सिंपल एज दैट। ओके, बस। तो हमने क्या क्या सीखा, फटाफट समझते हैं। लेमिना होता है, जो डंडी होती है उसे हम पिटियोल कहते हैं, जो बेस होता है उसे हम लीफ बेस कहते हैं, यहाँ पर जो एरिया होता है इसे हम एक्सिलरी बड कहते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है लाइक पत्ते जैसा जिसे हम स्टिप्यूल कहते हैं, स्टिप्यूल अगर है तो स्टिप्यूलेट, अगर स्टिप्यूल नहीं है तो हम कहेंगे एक्स स्टिप्यूलेट। ओके, इतना समझ आया। ओके, तो हम पैराग्राफ समझ लेते हैं। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ लीफ बेस पिटियोल एंड लेमिना, इतना आपने समझ लिया। ओके, लीफ इज अटैच टू स्टेम बाय द लीफ बेस, ये इंपॉर्टेंट है, एंड मे बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो, ये बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मालूम, ये है टॉपर क्वेश्चन। बच्चों को क्या लगता है कि लीव जो है वो स्टेम से किससे जुड़ा है, पिटियोल से जुड़ा है, लेकिन लीव जो है स्टेम से किससे जुड़ा है, लीफ बेस से। अभी मैं खुद यहाँ पर एक स्टेटमेंट कह दिया था कि लीव पिटियोल से जुड़ा है, और ये स्वाभाविक बात है कि हमें हमें लगता है कि लीव जो है वो स्टेम से पिटियोल से जुड़ा है, देखो है कि नहीं, ये जो स्टेम है और ये लीफ है, लीफ जो है मुझे मतलब मुझे क्या सबको लगता था पिटियोल से जुड़ा है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लाइन देके रखी है कि लीफ जो है वो लीफ
बेस से जुड़ा है लीफ से, मतलब लीफ स्टेम से किससे जुड़ा है, लीफ बेस से जुड़ा है, ये बात याद रखना है। यही क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। सो लीफ लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। ये चीज़ें अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर हो भी जाती है, तो यहीं से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है और बोलता है कि ये एनसीईआरटी का है। ओके, तो ये बात याद रखना कि लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। फिर लीफ बेस के बाद बात क्या आ जाती है, पिटियोल। पिटियोल से क्या जुड़ा होता है, लैमिना। ओके, एंड मे बेयर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ की तरह छोटे छोटे लेटरल स्ट्रक्चर होते, जिसे हमने क्या कहा था, स्टिप्यूल्स। क्या कहा था, स्टिप्यूल्स। अब देखिए क्या रखा है कि जो मोनोकॉट होते हैं ना, मोनोकॉट्स, उनमें जो है लीफ बेस जो होता है वो एक्सपांड करता है इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। मतलब होता क्या है, मोनोकॉट्स में जो लीफ बेस होता है ना, हमने पढ़ा जो लीफ बेस होता है वो क्या करता है, वो शीथ में कन्वर्ट हो जाता है, वो थोड़ा एक्सपांड हो जाता है और वो शीथ बनाने लग जाता है। और वो शीथ बना के क्या करता है, स्टेम को कवर करता है। क्या करता है, स्टेम को कवर करता है। इट कवर्स द स्टेम, पार्शियली भी कवर कर सकता है और पूरा, मतलब पूरा ही कवर कर ले या आधा अधूरा कवर कर ले, किसे, स्टेम को। तो ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में, ये बात को याद रखना। ओके, सो ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, इसको मैंने स्टार कर दिया। सो इन मोनोकॉट्स द लीफ बेस एक्सपांड एंड कवर्स द स्टेम, पार्शियली भी कर सकता है कवर या पूरा का पूरा भी कवर कर सकता है। थोड़ा सा और जूम करेंगे। ओके, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स, मतलब लेग्यूम्स जो होती है हमारी दालें, ओके, द लीफ बेस मे बिकम स्वॉलन विच इज कॉल्ड पलवाइनस। तो अब लीफ बेस की मॉडिफिकेशन से ये, ये किसकी मॉडिफिकेशन है, लीफ बेस की मॉडिफिकेशन, इसको यही दे दिया गया है। तो इस ये सब क्या है हमारे, रुको बाद में करूँगा उसे। ओके, सो सम लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या हो रहा है, जो लीफ बेस है वो स्वालन हो जा रही है, सूज जा रही है, और सूज जा रही है, जो लीफ बेस हो रही है वो स्वालन हो जा रही है। अब हम उसे क्या कह रहे हैं, जब लीफ बेस स्वालन हो जा रही है तो हम उसे क्या कह रहे हैं, हम उसे पलवाइनस कह रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को हम पलवाइनस कह रहे हैं। सो पलवाइनस कैसा दिखता है वो मैं आपको बताता हूँ, इसको ना दूसरे कलर में करेंगे, ठीक है। सो हम इस लाइन को जो है कुछ दूसरे कलर से अंडरलाइन करेंगे। ओके, सो हमने कहा लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस जो है स्वालन हो जाती है, उस स्ट्रक्चर को हम पलवाइनस कहते हैं, ठीक है। ओके, इतना समझ आया। तो पलवाइनस कैसे दिखता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये लेग्यूमिनस प्लांट का लीफ है, ये इसकी लैमिना है, ये जो है वो पिटियोल है या स्टॉक है, और ये लीफ बेस जो स्वालन हो चुका है, देखो ये लीफ बेस जो है वो थोड़ा स्वालन हो चुका है, इसे ही हम क्या कहने लग गए हैं, इसे ही हम पलवाइनस कहने लग गए हैं। ओके, इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द पिटियोल हेल्प टू होल्ड द ब्लेड टू लाइट, है कि नहीं। जो पिटियोल होता है वो जो लैमिना है या जो ब्लेड है उसे होल्ड करके रखता है। कैसे होल्ड करके रखता है, ताकि वो जो लीफ का जो लैमिना है वो लाइट की तरफ जो है उसका फेस हो, या उसका जो मेन एरिया है, जैसे ये हमारा लैमिना है, ये पिटियोल है। पिटियोल क्या कर रहा है, पिटियोल इस लीफ को जो है लाइट की तरफ सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, बस ये कह रहा है ये लाइन। ओके, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पिटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन एयर, सो दैट कूलिंग द लीफ, देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। मतलब कि देखो, जब वो पिटियोल जो है वो पतला सा है, फ्लेक्सिबल सा है, जिसके कारण क्या होगा, ये जो लीफ ब्लेड है ना,
वो फ्लटर करेंगे एयर में। फ्लटर करना मतलब लाइक फ्लटर करना, समझ रहे हो ना, एयर में ऐसा फ्लटर करना। तो ये जो पिटियोल ये फ्लेक्सिबल है, तो इसे फ्लटर करने में हेल्प कर रहा है। किसे फ्लटर करने में हेल्प कर रहा है? लीफ ब्लेड को फ्लटर करने में हेल्प कर रहा है। देयर बाय जिसके कारण क्या होगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएंगी, है कि नहीं, और फ्रेश एयर जो है वो लीफ सरफेस में आएगी। इतना समझ आया? कूलिंग द लीफ बाय ट्रांसपिरेशन। लीफ कूल कैसे हो रही है? देखो, जब लीफ विंड में फ्लटर कर रही है तो ट्रांसपिरेशन होगा, है कि नहीं। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? द एक्सहेलेशन ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। एक्सहेलेशन ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, जब वाटर निकलेगा स्टोमेटा से। स्टोमेटा का मतलब क्या होता है, ये हम फोटोसिंथेसिस में समझेंगे, लेकिन स्टोमेटा क्या होता है, जो ये जो हमारी लीफ है इसमें जो ऐसे ऐसे पोर है उसे हम स्टोमेटा कहते हैं, जहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है कि नहीं। ट्रांसपिरेशन होना मतलब एक्सहेलेशन ऑफ वाटर, पानी का निकलना, वाटर वेपर का निकलना, है कि नहीं। तो ये ट्रांसपिरेशन होता कैसे, तो देखो मैंने एक शॉर्ट में यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया है। क्या होता है, जब सबसे पहले तो जो हमारी रूट्स हैं ग्राउंड में, वो रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब कर रही है रूट, सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब कर रही है रूट। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो स्टेम है ये जो है इट ड्रॉज द वाटर अप। अब ये पानी ऊपर खींचेंगी स्टेम, है कि नहीं। फिर ये कुछ पानी को यूज़ करेंगे अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में, कहीं पे भी जो भी है उनकी ग्रोथ में। होगा क्या, उसके बाद जो भी पानी यूज़ किया, अब जो पानी बच गया, द अनयूज्ड वाटर एवेपरेट्स फ्रॉम द लीफ सरफेस। मतलब यहाँ पे सनलाइट आएगी, स्टोमेटा खुलेगा और यहाँ से इस तरह से वाटर वेपर एयर में उड़ जाएगा, है कि नहीं, एवेपरेट कर जाएगा। इसे ही हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन इज अनयूज्ड वाटर एवेपरेट्स फ्रॉम द लीफ सरफेस या स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, लीफ पे कुछ गड्ढे, समझ गए। अब इतना पॉइंट समझ गए, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द लैमिना और द लीफ बेस और द लीफ ब्लेड। ओके, जो हमारा लैमिना है या जो लीफ ब्लेड है इज ग्रीन, ग्रीन इन कलर एंड एक्सपांडेड, एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स, है कि नहीं। लैमिना या लीफ ब्लेड क्या है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, और लीफ वो जो लैमिना है उसमें ना कुछ वेन्स होती है और वेनलेट्स होती है। अब ये वेन्स और वेनलेट से क्या होता है, चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे हमारी बॉडी में भी क्या होती है, आर्टरी होती है, वेन्स होती है, ब्लड जाता है आता है कि नहीं। तो ये ब्लड, ब्लड क्या करता है, हमारे टिश्यूज़ को न्यूट्रिएंट देता है कि नहीं। ह्यूमन फिजियो, फिजियो में पढ़ते हो आप ब्लड सर्कुलेशन में, उसी तरह इसमें भी वेन्स और वेनलेट्स होते हैं सिमिलर। ओके, सो वेन्स होती है और वेनलेट्स होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होती है। ये देखो, जैसे ये एक लीफ है, इसमें ये जो निकल रही है ये क्या है, वेन्स है। ये क्या है, वेन्स, ये वेन्स है सारी। और ये जो छोटे छोटे देख रहे हो अब, ये ऐसे ऐसे कुछ, ये है वेनलेट्स। ये क्या है, ये है वेनलेट्स, छोटी छोटी वेनलेट्स और वेन्स, ठीक है। तो लीफ में हमें वेन्स देखने को मिलती है, वेनलेट्स देखने को मिलती है। देर इज यूजली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज नोन एज मिड्रिप। सो मिड्रिप क्या होती है, एक मिडल प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब उभरी हुई, एक उभरी हुई प्रोमिनेंट वेन होती है। सो हमने क्या कहा, जो मिडल प्रोमिनेंट वेन होगी उसे हम मिडल रिप कहते हैं। मिडल रिप कैसी होती है देखते हैं। जैसे ये सारी, ये क्या थी, वेन्स, ये थी वेन्स और यहाँ से निकल रही थी वेनलेट्स। ये जो बीच वाली है ना, मिडल प्रोमिनेंट वेन, इसे ही हम मिड रिप कहते हैं, मिड रिप, ठीक है। यहाँ पर भी होंगी मे बी, यहाँ पर नहीं मिड रिप। सो मिड रिप का मतलब समझ गए ना आप। ओके,
ठीक है, वेन्स के बारे में कुछ देके रखा है, दैट वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड. लीफ ब्लेड को, जो लैमिना है या लीफ ब्लेड है, उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करती है ये वेन्स. एक थोड़ा सा कड़क सख्तपन या रिजिडिटी प्रोवाइड करती है वेन्स. एक्ट एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स. ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करेंगे, वेन्स का काम क्या है, ये चैनल्स है किस चीज़ के ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए, मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, फूड मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए. ओके, इतना समझ आया. शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिशन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीफ. देखो कहना क्या चाह रहा है, जो लीफ का शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग लीव्स का, मतलब अलग अलग लीव्स का शेप अलग अलग हो सकता है, ये कह रहा है. दूसरी बात, जो मार्जिन होती है, मार्जिन मतलब जैसे ये इसकी मार्जिन, देखो ये लीव की मार्जिन कुछ इस तरह की है कि नहीं, कुछ ऐसे जिगजैग टाइप की है. अगर हम इस लीव के मार्जिन की बात करें तो इस तरह से कर्व है कि नहीं. इसकी मार्जिन की बात करें तो ये थोड़ी सी लंबी मार्जिन है कि नहीं, स्ट्रेट. ये कैसी है, जिगजैग मार्जिन है. तो अलग अलग तरह के मार्जिन हो सकते हैं अलग अलग तरह के लीव्स के, ये कह रहा है. अब जो एपेक्स है, एपेक्स मतलब टिप ऑफ द लीफ, लीफ टिप ऑफ द लीफ, वो भी अलग अलग हो सकता है. जैसे इसका टिप देखो, ये कुछ इस तरह का, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, और इसका कुछ ऐसा है. इसकी बात करते तो इसका और ऐसा है. तो टिप भी अलग अलग होता है अलग अलग लीव्स का, एपेक्स या टिप. सरफेस भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे इसका सरफेस इतना है, इसका सरफेस ऐसा है, मतलब सरफेस भी डिफर करता है. और क्या देखे रखा है, एक्सटेंट ऑफ इंसीजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स. ये क्या कहना चाह रहा है, देखो एक्सटेंट ऑफ इंसीजन, इंसीजन का मतलब है लाइक जैसे इसके इंसीजन की बात करें, ये यहाँ तक इंसाइज हुआ, कुछ कुछ अंदर तक भी इंसाइज करते हैं. इंसाइज मतलब ये जो इंसिजन है वो कितना अंदर तक है. तो इसके लिए शायद मैंने एक स्लाइड बनाई थी. हाँ, तो देखो इसी के आधार पर दो तरह के लीफ होते हैं. इंसिजन, देखो दो तरह के लीफ होते हैं, पहले मैं आपको समझाता हूँ. दो तरह के लीफ होते हैं, एक होते हैं सिंपल लीफ और एक होते हैं कंपाउंड लीफ. बस याद रखना क्या, कि दो तरह के लीफ होते हैं, एक होता है सिंपल लीफ और एक होता है कंपाउंड लीफ. सिंपल लीफ में क्या होता है, द लीफ ब्लेड इज अनडिवाइडेड, वेयर एज इन कंपाउंड लीफ द लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड इनटू लीफ ब्लेड्स, लीफलेट्स. लीफलेट किसमें, लीफलेट में डिवाइड होता है. देखो क्या होता है, समझते हैं. ये हमारा लीफ है, ये हमारा पत्ता है. अब इसमें क्या हो सकता है, इंसिजन हो सकती है कि नहीं. इसकी मार्जिन पे इस तरह की, ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर ऐसा 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 ऐसा, ये इंसिजन बोलते हैं, है कि नहीं. ये इंसिजन जो है वो अलग अलग तरह का हो सकता है. हो सकता है किसी में कुछ इतना इंसिजन हो, किसी में एकदम अंदर तक हो, किसी में छोटा सा इंसिजन हो, बड़ा इंसिजन हो. तो इंसिजन वेरी कर सकता है किसी लीफ का. देखो जैसे कोई लीफ है, जैसे एक ये तरह की लीफ है, हो सकता है कोई लीफ इस तरह की हो, देखो इस तरह की हो, एकदम अंदर तक इंसाइज होके रखा है कि नहीं. तो अलग अलग तरह की इंसिजन है. लेकिन सिंपल लीफ में क्या होता है, जो इंसिजन होती है ना, वो ये मिड रिप है ना, उसको टच नहीं करती. इंसिजन मिड रिप को टच नहीं करती है कि नहीं. तो लीफ ब्लेड इज अनडिवाइडेड है कि नहीं, इंसिजन को मिड रिप को इंसिजन टच नहीं करती. सुनते जाइए, लेटरल बर्ड अकर्स एट द बेस ऑफ पिटियोल. जान दो, ये छोड़ो. सिंपल लीफ और इसमें फ़र्क मैं समझाता हूँ. सिंपल कंपाउंड लीफ में क्या होता है, देखो सिंपल लीफ में क्या होता है, ये सिंपल लीफ है कि नहीं. ये सिंपल सा लीफ है, इसकी इंसिजन मिड रिप को टच नहीं कर रही, बहुत से बहुत अंदर जा सकती है लेकिन टच नहीं कर रही. कंपाउंड लीफ में क्या होता है, ये जो इंसिजन है ये मिड रिप को टच करने लग जाती है. और क्या होता है, ये छोटे छोटे लीफलेट में बढ़ जाती है. लीफ लीफ के क्या हो गए, टुकड़े हो गए लीफलेट्स में. लीफ के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, सेगमेंट्स बन गए लीफलेट में. तो ये क्या है, ये एक लीफ है, इसमें ये छोटे छोटे लीफलेट है. अब लीफलेट में और लीफ में कैसा हम डिफरेंशिएट करें, भैया सेम ही लग रहे. ये देखो ये भी ऐसा लग रहा है ना, ये लीफी है कि नहीं.
ये ऐसे लग रहा है ये स्टेम है और ये छोटी छोटी लीव है। लीफ में और लीफलेट में डिफरेंशिएट कैसे करें? लीफलेट 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 मिलके बनाती है लीफ, और सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में यही फर्क है कि जो सिंपल लीफ है उसमें जो लीफ है वो डिवाइडेड नहीं है, इट इज अनडिवाइडेड। वेयर एज कंपाउंड लीफ में लीफ ब्लेड जो है वो डिवाइड हो गया है छोटे छोटे लीफलेट में। अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, अगर हमें पहचानना है कि लीफलेट क्या है और लीफ क्या है, मतलब हमें देखना है अगर कैसे, मतलब कैसे पहचाने कि कोई लीफलेट है या लीफ है, मतलब लीफ और लीफलेट में कैसे अंतर देखे। तो लीफलेट में क्या होता है, देर इज नो लेटरल बड एट द बेस ऑफ ईच लीफलेट। मतलब यहाँ पे ये लीफलेट का बेस है कि नहीं, यहाँ पर आपको कोई बड नहीं मिलेंगी, कोई भी बड नहीं मिलेंगी लीफलेट के, यहाँ पर कोई भी बड नहीं मिलेंगी। हाँ यहाँ पर बड मिलेंगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीफ खत्म हो रहा है तो यहाँ पर बड मिलेंगी, यहाँ पर बड मिलेंगी। बट लीफलेट के बेस पे ये लीफ, ये लीफ है, ये क्या, ये लीफ है और ये लीफ का बेस है तो यहाँ पर बड मिलेंगी, लेकिन ये लीफलेट है और ये लीफलेट का बेस है, यहाँ पर कोई बड नहीं मिलेगी। और सिंपल लीफ की बात करूँ तो ये तो सिंपल लीफ है, तो सिंपल लीफ के एंड में यहाँ पर बराबर एक बर्ड होगी, बस ये कहना है। अगर आपको लीफलेट और लीफ में फ़र्क समझना है तो आप देख लो बर्ड है कि नहीं है, अगर बर्ड है तो लीफ है, अगर बर्ड नहीं है तो लीफलेट है, और लीफलेट मिलके क्या बनाएगा, एक लीफ, एक कंपाउंड लीफ बनाएगा। तो सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में आप फ़र्क समझ गए। ये कहा है कि ये जो इंसिजन होता है ये अलग अलग वेरी होता है, अगर इंसिजन मिड रिब को टच कर जाए तो कंपाउंड लीफ बन जाएंगी। हाँ, और कंपाउंड लीफ में जो ये मिड रिब होता है, अब हम इसे रैचिस कहते हैं, क्या कहते हैं, रैकिस रैचिस, लोग अलग अलग प्रोनाउन करते, तो मैं रैचिस कहूँगा, ठीक है। सो रैचिस, सो कंपाउंड लीफ में, कंपाउंड लीफ की मिड रिब को हम रैचिस कहते हैं, कंपाउंड लीफ की मिड रिब को हम रैचिस कहते हैं, कंपाउंड लीफ की मिड रिब को हम क्या कहते हैं, रैचिस कहते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो ये सिंपल लीफ ऑफ कंपाउंड लीफ में मैंने फ़र्क आपको दिखा दिया। देखो टाइप्स ऑफ लीफ, वेनेजन हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, पहले टाइप ऑफ लीफ समझ लेते हैं। एक होता है सिंपल लीफ, वैन इट्स लेमिना इज इंटायर और इनसाइज। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि सिंपल लीफ में इंसिजेंस नहीं है, इंसिजेंस है बट दे आर नॉट टचिंग द मिड रिब, मिड रिब को टच नहीं करते इंसिजन। वेन द इंसिजन ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इट इंटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स, देन इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में इंसिजन मिड रिब को टच करने लग जाती है, और कंपाउंड लीफ की मिड रिब को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रैचेस। आगे देखते हैं, अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सेल ऑफ पिटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, दोनों लीफ की पिटियोल की एक्सेल में, एक्सेल ऑफ पिटियोल में आपको बर्ड मिलेगा, कंपाउंड हो या सिंपल हो, बट नॉट इन द एक्सेल ऑफ लीफ ब्लेड ऑफ द कंपाउंड। लीफलेट की एक्सेल में आपको कोई भी बट नहीं दिखेगा, बर्ड नहीं दिखेगा, ये बात याद रखना। ये क्या है, लीफ, ये क्या है, ये लीफलेट है और ये लीफलेट की एक्सेल है, यहाँ पर आपको बर्ड नहीं दिखेगा। हाँ ये पूरा लीफ है, ये पिटियोल है और ये एक्सेल है, यहाँ पर बर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। अब द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप, अब दो तरह के कंपाउंड लीफ आपको देखने को मिलते हैं, दो तरह के रहते हैं कंपाउंड लीफ, रुको, हाँ कंपाउंड लीफ दो तरह के होते हैं, एक होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ और एक होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई, हाँ देखो इन्होंने क्या करे, अलग अलग पेज में लिख दी, इससे क्या होता है अच्छा नहीं दिखता दिखने में, तो मैं इसको क्या करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, पामेटली के बारे में भी, और इसको मैं यहाँ पर कहीं पे एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ
देखो इसको बोलते हैं एनसीईआरटी पोस्टमार्टम। एनसीईआरटी में क्या करे, इस चीज़ को नेक्स्ट पेज में लिखे, लेकिन ये यहाँ पर होना चाहिए ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ओके सो देखिए क्या रखा है, दो तरह के कंपाउंड लीफ होते हैं, एक होता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और एक होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। फर्क क्या है, फर्क ये है कि पिनेटली कंपाउंड लीफ में अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस कॉल्ड रैकिस, है कि नहीं, विच रिप्रेजेंट द मिड रिब ऑफ द लीफ एज इन नीम। नीम इसका एग्जाम्पल है। नीम में हमें ये पिनेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलता है। ठीक है, देखो ये क्या है, पिनेटली कंपाउंड लीफ, ये किसका फोटो है, फोटो आती है एग्जाम्स में, ये किसका फोटो है, ये नीम का फोटो है। सो नीम इज द एग्जाम्पल ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, द लीफलेट आर अटैच्ड ऑन रैचेस विच इन टर्न अटैच ऑन पिटियोल, है कि नहीं। जो लीफलेट है ये मिड रिब से अटैच है रैचेस से, और फिर ये जो रैचेस है ये पिटियोल से अटैच है, पिटियोल लीफ बेस से अटैच है और लीफ बेस मेन एक्सिस से अटैच है। अब दूसरा तरह का कंपाउंड लीफ होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। देखो नाम से ही समझ आ रहा है, पाम पाम मतलब जो हमारा हाथ होता है ना पाम, हमारी टीचर बोलती थी पाम बताओ पनिशमेंट देने के लिए, ठीक है, तो ये होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। तो पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, लीफलेट आर अटैच ऑन अ कॉमन पॉइंट। देखो फर्क, देखो फर्क ये है कि पिनेटली कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट थी वो कहाँ अटैच थी, देवर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस, देवर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, ये कॉमन एक्सिस में थी। और पामेटली में जो लीफलेट है वो कहाँ पर अटैच है, ये कॉमन पॉइंट पे अटैच है। देखो पॉइंट और लाइन में फर्क है, लाइन एक लाइन में छोटी छोटी लीफलेट अटैच्ड है कि नहीं, है कि नहीं। और पामेटली में क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे लीफलेट अटैच है, लीफलेट एक पॉइंट पे अटैच है, डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। पामेटली पे एक पॉइंट पे अटैच्ड है लीफलेट और पिनेटली में एक लाइन में अटैच है। तो देखो इन पामेटली कंपाउंड लीफलेट इज डायरेक्टली अटैच्ड ऑन पिटियोल, मतलब मिडरिब जैसी चीज़ है ही नहीं यहाँ, यहाँ पर ऐसी मिडरिब जैसी चीज़ है ही नहीं, ये डायरेक्टली अटैच्ड है पिटियोल से। लीफलेट आर डायरेक्टली अटैच्ड ऑन पिटियोल इन विच काइंड ऑफ कंपाउंड लीफ, पामेटली में, पामेटली में लीफलेट पिटियोल से डायरेक्टली अटैच्ड है। और पिनेटली में क्या हो रहा है, लीफलेट इज अटैच्ड ऑन रैचेस विच इन टर्न अटैच ऑन पिटियोल, मतलब पिटियोल और लीफलेट के बीच में आ रहा है मिडरिब, ये मिडरिब है फिर इसके बाद पिटियोल है, यहाँ पर डायरेक्टली पिटियोल है, ये डिफरेंस है। और ये अच्छे अच्छे जो है इसे भूल जाते हैं, समझ आ गया। अब विनेजन पढ़ लेते हैं, हमने टाइप्स ऑफ लीव्स पे सीधा जम मारा था, हमने विनेजन नहीं पढ़ता। तो विनेजन्स क्या है, नाम से समझ आ रहा है, वेनेजन, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, वेन्स की अरेंजमेंट और वेनलेट्स की अरेंजमेंट हम देखेंगे, किसमें, लैमिना ऑफ लीफ में, इस टर्म एज वेनेजन, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द वेन एंड द वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीव इस टर्म एज वेनेजन। ठीक है, व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क द वेनेजन इज टर्म एज रेटिकुलेट। देखो ये बात हमेशा याद रखना, रेटिकुलेट का मतलब ना, ये तो गार्ड बांध के रखना, रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क, है कि नहीं, कहाँ पर लिखूँ, हाँ रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है, रेटिकुलेट का मतलब होता है, मैं ऐसा लिख देता हूँ, रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क, ये बात हमेशा याद रखना। अब मैंने आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाया है कि नहीं, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कीजिए, कीजिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नाम का चैप्टर मैंने अपलोड किया है। तो उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर था, है कि नहीं,
इस तरह से नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर था। तो रेटिकुलम का मतलब ही क्या होता है, रेटिकुलम रेटिकुलेट का मतलब ही क्या होता है, नेटवर्क। आज के बाद अगर आपको कोई पूछे रेटिकुलम का मतलब क्या होता है या रेटिक्यूलेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेटवर्क, नेटवर्क। ओके, इतना समझ आया। तो जब ये जो वेन्स है, जब वेन्स जो है, वेनेजन इस टर्म में रेटिकुलेट, जब वेन्स जो है, जो वेनलेट है, वेनलेट है, वो नेटवर्क फॉर्म करे, वेनलेट्स नेटवर्क फॉर्म करने लग जाए तो हम उसे रेटिक्यूलेट कहते हैं। अगर वेनलेट्स या वेन जो है वो रेटिकुलेट नहीं है, पैरेलल रन कर रही है टू ईच अदर विद इन अ लैमिना, दिस वेनेजन इज टर्म एज पैरेलल वेनेजन। तो दो तरह की वेनेजन होती है, एक होती है रेटिकुलेट वेनेजन और एक होती है पैरेलल वेनेजन। ठीक है, लीव्स ऑफ डाइकोटिलीडेनियस प्लांट्स जनरली पोजेस रेटिकुलेट विनिजन वाइल पैरेलल विनिजन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट्स। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल किस में दिखती है, मोनोकॉट में, रेटिकुलेट किस में मिलती है, डाइकॉट में। ये बात याद रखना। ठीक है, सो रेटिकुलेट किस में मिलती है, देखो ये देखो विनिजन देखे रखा है, ये देखो ये रेटिकुलेट सा एकदम नेटवर्क बना रहा है। देखो ये नेटवर्क देख रहे हो आप, ये यहाँ से नेटवर्क गया, फिर ये नेटवर्क वेनलेट्स नेटवर्क बना रही है, वेन्स नेटवर्क नहीं बना रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वेनलेट्स नेटवर्क बना रही है किस में, रेटिकुलेट में। पैरेलल में क्या हो रहा है, ये जो वेन्स है, अब यहाँ पर वेन्स की बात हो रही है, यहाँ वेन्स जो है वो पैरेलल रन कर रही है। देखो पैरेलल, वेन्स आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर इन मोनोकॉट, दैट इज व्हाट इज पैरेलल वेनिजन। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, लीफ क्या होता है, फिर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, एक्रोपिटल अरेंजमेंट, बेसिपिटल, बेसिपिटल में क्या होता है, यंग नीचे होती है, एक्रोपिटल में यंग ऊपर होती है। तो लीव्स जो होते हैं वो किस तरह के अरेंजमेंट शो करते हैं, एक्रोपिटल अरेंजमेंट शो करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। चलो ये पॉइंट तो मैंने उधर आपको लिखा दिया ना, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी पूरी मॉडिफाई है कि नहीं। अब देखो एनसीईआरटी में इस तरह से नहीं दिया है, देखो मैंने एनसीईआरटी को क्या कर दिया, एनसीईआरटी का पूरा पूरा रूप ही बदल दिया। अगर आप एनसीईआरटी को कंपेयर करेंगे तो ये पेज ना अलग ही तरह का, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये देखो ये पेज ऐसा था पहले, ये पेज ऐसा था, देख रहे हो आप किस तरह से एकदम कंफ्यूजिंग, समझ ही नहीं आ रहा है। अब देखो इसको किस तरह से, ये अभी भी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, जब समझाऊंगा ना तब आपको समझ आएगा। इसको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मैंने एग्जांपल के साथ अरेंज किया है, देखो डिफरेंस। ओके सो अब हम पढ़ने वाले फाइलोटेक्सी, और ये सब नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। ओके तो फाइलोटेक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच। फाइलोटेक्सी क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम ऑन ब्रांच, लीव की अरेंजमेंट कैसी है उसे हम फाइलोटेक्सी कहते हैं। फाइलोटेक्सी क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीव, वेनेजेंस क्या था, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, और फाइलोटेक्सी क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। तो तीन तरह की अरेंजमेंट होती है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं, तीन तरह की अरेंजमेंट होती है। पहली वाली जो अरेंजमेंट है उसे हम अल्टरनेट अरेंजमेंट कहते हैं, दूसरी जो अरेंजमेंट है जो गुआवा में हमें देखने को मिल रही है उसे हम अपोजिट अरेंजमेंट कहते हैं, तीसरी अरेंजमेंट जो होती है उसे हम वर्ल्ड वर्ल्ड अरेंजमेंट, वर्ल्ड, उनको प्रोनाउंसिएशन नहीं जमता है कभी कभी, वर्ल्ड, ओके वर्ल्ड अरेंजमेंट। सो तीन तरह की अरेंजमेंट होती है, एक होती है अल्टरनेट, एक होती है अपोजिट, और तीसरी होती है वर्ल्ड। ओके सो अल्टरनेट में क्या होता है, अल्टरनेट में
सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर एज इन चाइना रोज मस्टर्ड एंड सनफ्लावर. इसके तीन एग्जाम्पल है. देखिए एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से याद करिए, मतलब आपको जिस ट्रिक से करना है या जिस वे में आपको याद करना है, जिस भी निमोनिक्स में आपको याद करना है आप कर सकते हो. तो इसलिए मैं आपको कोई निमोनिक नहीं बताऊंगा, आपको मैं बताऊंगा इसकी ये एग्जांपल थे याद, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हो, आपकी मर्जी. किसी को निमोनिक्स पसंद नहीं आते, किसी को पसंद आते, सो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कर सकते हो. एनीवेज, तो अल्टरनेट में क्या होता है, सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोट. लीफ जो है हर एक नोट पे होती है, बट अल्टरनेट मैनर्स में. देखो जैसे यहाँ इधर है तो इधर है, फिर एक इधर है और फिर एक इधर है. देखो अल्टरनेटली है कि नहीं, इधर तो इधर, इधर इधर, अल्टरनेटली लीफ अरेंज्ड है. सो इसके एग्जांपल्स क्या थे, अल्टरनेट के एग्जांपल ये थे चाइना रोज. चाइना रोज की फोटो भी देखे रखी है एनसीईआरटी में. दूसरा है मस्टर्ड और तीसरा है सनफ्लावर. तो ये तीन एग्जांपल्स याद रख लेना, क्या है, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर. इन अपो दूसरा क्या है, दूसरी तरह की फाइलोटेक्सी क्या होती है, अपोजिट फाइलोटेक्सी. इसमें क्या होता है, अ पेयर ऑफ लीव अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा. कैलोट्रोपिस और गुआवा, जैसे गुआवा में देखो अपोजिट है, दोनों जो लीफ है वो एक नोड पे है और अपोजिट है कि नहीं, अपोजिट है, एकदम अपोजिट. तो इसके एग्जांपल है कैलोट्रोपिस और गुआवा. ओके, तीसरे पे हम आ जाते हैं, इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म अ वॉल इट इज कॉल्ड अ वॉल. जैसे एलिस्टोनिया में देखने को मिलता है, देखो एलिस्टोनिया का फोटो है, एक एक नोट पे बहुत सारी लीव्स है. देखो जैसे ये एक नोट पे एक दो तीन चार पाँच छः सात ऐसे लीव है एक पॉइंट में, और ये ऐसा वर्ल बना रहे हैं. तो ये किस में देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है एलिस्टोनिया में. ओके, इतना समझ आ गया. अब तो ये हो गई फाइलोटेक्सी, तीन होती है, अल्टरनेट अपोजिट वर्ल्ड. अल्टरनेट के एग्जाम्पल्स क्या है, क्या था, चाइना रोज, सनफ्लावर और मस्टर्ड, और अपोजिट की एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस और गुआवा, और वर्ल की एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया. लेकिन इसकी फोटोज हमें देखने को मिलती है ये साइड में. तो हम थोड़ा सा और क्रिएटिविटी करेंगे, थोड़ा सा लाइट में शेड लेंगे. सो ये जो है हमारे पास, ये जो है यार, नहीं ब्लैक में करते हैं क्यों, ये जो है इसके एग्जांपल्स जो है वो हमारे पास है ये. ये इसके एग्जांपल्स है, ठीक है. नहीं चलो अब हम आ जाते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स पे. हमने पढ़ा रूट की मॉडिफिकेशन, हमने पढ़ा स्टेम की मॉडिफिकेशन, अब हम पढ़ेंगे किसकी मॉडिफिकेशन, हम पढ़ेंगे लीव्स की मॉडिफिकेशंस. सो लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस. लीफ का मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना. अगर लीफ फोटोसिंथेसिस के अलावा कुछ और करने लग जाए तो हम कहेंगे उस लीफ में मॉडिफिकेशंस हो गई. ओके, इतना समझ आया. कन्वर्टेड इंटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग एज इन पी. यहाँ पर भी टेंड्रिल बनती है, जैसे वहाँ पर भी टेंड्रिल बनी थी किसमें, स्टेम में, यहाँ पर भी टेंड्रिल बन रही, यहाँ किसमें टेंड्रिल बन रही है, पी में, किसमें, पी में. हो सकता है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे टेंड्रिल्स बना ले, किसमें होता है, पी में. हो सकता है वो स्पाइन बना ले, क्या बना ले, स्पाइन, ऐसे 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 स्पाइन बना ले, कौन, लीफ. जैसे कैक्टस में क्या होता है, स्पाइन बन जाते हैं डिफेंस के लिए. और हो सकता है वो खाने के योग्य हो जाए, फ्लैशी लीव्स, खाना स्टोर करने लग जाए. जैसे ऑनियन और गार्लिक में, जो हम गार्लिक की जो कली खाते हैं कि नहीं,
वो एक लीव है। जो हम अनियन खाते, हम बेसिकली लीव्स खा रहे हैं अनियन की, और वो जो हम काट के फेंकते वो क्या था, स्टेम, वो था मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम या मॉडिफाइड रूट, हाँ मॉडिफाइड जो था स्टेम था, मॉडिफाइड स्टेम, जिसे हम क्या कहते थे, बल्ब, ये जो था ना बल्ब, और ये जो हम खाते हैं ये क्या होती है, फ्लैशी लीव होती है। तो ये लीव मॉडिफिकेशन है, इतना समझते। देखो तो मॉडिफिकेशन किस चीज़ के लिए हो सकती है, देखो खाना स्टोर करने के लिए, जैसे ऑनियन में और गार्लिक में, ये देखो ये फ्लैशी लीव्स है, ये गार्लिक है, ये इसमें देखने को मिलते हैं। और टेंड्रल्स बना सकती है ये लीफ, जैसे किस में टेंड्रल बनाती है, मटर, मटर में, पी में, ये होती है, ये क्या होती है लीफ, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ओके हो सकता है डिफेंस के लिए स्पाइन बना दे, जैसे ओपुंचिया है, एलोवेरा है, इसमें ये जो होते हैं ना ये मॉडिफाइड लीफ है। ओके फिर आ जाते हैं इंसेक्ट कैप्चर के लिए, जो होता है हमारे पास वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, और क्या होता है ब्लैडर वॉट, और क्या होता है हमारे पास पिचर प्लांट। मतलब क्या होता है, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो गई है कि नहीं, नाइट्रोजन नहीं है आसपास, तो अब इसको, इन प्लांट्स को क्या होता है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करते हैं इंसेक्ट कैप्चर करने के लिए, मतलब ये अपने लीव्स को मॉडिफाइड कर लेते हैं, और लीव क्या करती है इंसेक्ट कैप्चर करने लग जाती है, लीव क्या करती है इंसेक्ट कैप्चर करने लग जाती है। इसके तीन उदाहरण है, एक तो है वीनस फ्लाई ट्रैप जिसको हम डायोनिया कहते हैं, देखो डायन जैसी, डायन जैसी, डायोनिया, क्यों डायन है ये क्योंकि ये इंसेक्ट कैप्चर कर रही है। इंसेक्ट कैप्चर क्यों कर रही है, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए ये क्या कर रही है, इंसेक्ट कैप्चर कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल है ब्लैडर वॉट, क्या एग्जाम्पल है, ब्लैडर वॉट, ब्लैडर वॉट भी क्या कर रहा है, इंसेक्ट कैप्चर कर रहा है। इसका एक, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, यूट्रिक्यूलेरिया वल्गैरिस। देखो ये भी कैसा है, वल्गर सा नाम है कि नहीं, वल्गर, यू नो, तो याद रखने का तरीका, तो ऐसा भी याद रख सकते, ब्लैडर वॉट, यूट्रिक्यूलेरिया, यूट्रिक्यूलेरिया वल्गैरिस, है कि नहीं, ऐसा यार गंदा सा है, इंसेक्ट खा जा रहा है, गंदी बात, तो कैसा याद रखना, यूट्रिक्यूलेरिया वल्गैरिस ब्लैडर वॉट। ओके तीसरा एग्जाम्पल है पिचर प्लांट, है कि नहीं, पीछे ही पड़ गया ये इंसेक्ट के, तो इसका इसका नाम है पिचर प्लांट, जिसे हम कहते हैं निपैंथर, निपैंथर, क्या कहते हैं, निपैंथर। ओके देन इतना समझ आया, ये इंसेक्ट क्यों कैप्चर कर रहे हैं, दे आर कैप्चरिंग इंसेक्ट, दे आर कैप्चरिंग इंसेक्ट फॉर N2, N2 को फिक्स करने के लिए। ओके तो इतना समझ आ गया, अच्छा तो हम पढ़ते आगे की लाइन। अच्छा अब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी करती है, मतलब क्या होता है बेसिकली, देखो हमने लीफ की मॉडिफिकेशन देख ली, अब हम पढ़ेंगे पिटियोल की मॉडिफिकेशन। ये क्या है, ये पिटियोल की मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन थोड़ा सा और पतला हो सकता है क्या, हाँ, ये क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑफ पिटियोल, मॉडिफिकेशन ऑफ पिटियोल, पिटियोल की मॉडिफिकेशन से सबसे पहले होता क्या है पिटियोल में, पिटियोल की मॉडिफिकेशन किस चीज़ के लिए हुई, फोटोसिंथेसिस के। पिटियोल क्या था, ये लीफ था, ये जो डंडी थी जिसे हम पिटियोल कहते थे, अब ये पिटियोल फोटोसिंथेसिस करने लग जा रही है। फोटोसिंथेसिस तो लीफ करता है, जो लीफ ब्लेड है या लेमिन है वो करता है फोटोसिंथेसिस, अब पिटियोल फोटोसिंथेसिस करने लग जा रही है। द पिटियोल इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो जब वो मॉडिफाई हो गई तो हम उसे क्या कहने लग गए, फाइलोड। हमने पढ़ा था फाइलोक्लेड, जिसमें स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रही थी, फाइलोड में क्या होता है, पिटियोल इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके तो फाइलोड जो है वो फोटोसिंथेसिस करने लग जाती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मतलब बेसिकली पिटियोल जो है फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो पिटियोल मॉडिफाई हुई और वो बन गई फाइलोड,
इसका एग्जाम्पल मतलब फाइलोट किस में देखने को मिलता है हमें, हमें किस में देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलियन एकीकाई में, किस में देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलियन एकीकाई, ये एक प्लांट है। ओके तो ये बात याद रखना। यही देखे रखा है बड़ा कंफ्यूज करके इस लाइन में, क्या प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन एकेकाई द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव, द पिटियोल इन दिस प्लांट आर एक्सपैंडेड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड, बेसिकली फोटोसिंथेसिस करने लग जाती है इनकी पिटियोल, और उस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर को हम फाइलोड कहते हैं। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पिचर प्लांट, वीनस फ्लाइट्रैप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स फॉर एंटो फिक्सेशन। ओके पिक्चर प्लांट को हम क्या कहते थे, पिक्चर को निपेंथर, वीनस फ्लाईट्रैप को डियोना, ब्लैडर वॉर्ट को हम क्या कहते थे, यूट्रिक्यूलेरिया वल्गैरिस। ओके हाँ, और एक और चीज, ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ना वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक, बट द थिंग इज टू कंपनसेट द नाइट्रोजन डेफिशिएंसी दे कैप्चर द इंसेक्ट। ओके ये बात याद रखना। अच्छा अब हम आ जाते हैं फ्लावर पे, तो इस क्लास को आज हम यहीं एंड करते हैं। दिस इज़ नॉट अ वन शॉट, अब ये वन शॉट नहीं रहा है क्योंकि मुझे लगा था हो जाएगा, बट हम इसे पार्ट फोर में हम पूरे फ्लावर को पढ़ेंगे, फ्लावर में मेल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फीमेल को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम सारी प्लांट फैमिलीज देखेंगे, सोलेनेसी, ब्रासिकेसी, लिलिएसी फैमिलीज को हम देखेंगे और उनके फ्लोरल डायग्राम्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक कमेंट में है। ओके वहाँ से जाइए, नोट्स डाउनलोड कीजिए, थैंक यू सो मच, आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, है कि नहीं? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।